अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज के ब्लॉग में जो है अमन भाई भी आए हैं हमारे साथ और भी ग्यारह। तो भाई आज के ब्लॉग में बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है भाई, वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक और चैनल को कर लिएगा सब्सक्राइब। और तो चले हम आपको दिखाते हैं आज हम क्या परचेज करने आए भाई साहब। तो भाई आज हम लोग जो है वो आए हुए हैं वेपन शोरूम के ऊपर, आ गए मसद खान के पास। तो आ जाए अंदर, मिल के जो है बात करेंगे इनसे और पता करेंगे कि हम लोग कौन सा वेपन जो है परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, अतीक भाई क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। और हमारे नईम भाई भी मौजूद हैं भाई। नईम भाई खैरियत से? ठीक ठाक। परचेसिंग वगैरह जो करनी है बस इंशाल्लाह ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये बड़ी वाली मेरे को जो है ना गन्स बड़ी जबरदस्त लग रही है ना, वी आई पी। अतीक बावर भाई, भाई पिक कर रहे हैं भाई बड़ी राइफल, जबरदस्त भाई, गुड लुक आ रहा है बाबर भाई। अतीक भाई क्या चीज है ये, हमें थोड़ी सी नॉलेज दें हमें। ये 22 राइफल कहलाती है, राइफल के लाइसेंस के ऊपर इसको हम ले सकते हैं। ये फिर फाइन की फॉरेन मेड है, इसमें पार्क मेड नहीं आती, और ये शिकार के लिए बेसिकली लोग रखते हैं, शिकार के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि इसकी आवाज बहुत कम है, आवाज कम है और झटका नहीं है, बिल्कुल रिकॉइल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी परफेक्ट होती है और 800 मीटर तक इसकी गोली जाती है। तो शिकार के जो शौकीन लोग हैं वो ये लेके जाते हैं, और जो सेल्फ डिफेंस के लिए या सेफ्टी पर्पस के लिए कराची में ज़्यादातर जो है वो 9mm को पसंद किया जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए। ये बेसिकली गांव देहात में जो ज़मींदार लोग होते हैं वहाँ पे जो है ना रखते हैं ताकि उनकी ज़मीनों की हिफाजत हो सके। उसने अपनी हिफाजत करनी होती है, गाड़ी की हिफाजत करनी है, घर की या शॉप की। ये कराची में तो लॉन्ग डिस्टेंस पर मतलब यहाँ इतनी ज्यादा पसंद नहीं की जाती, यहाँ पे पिस्टल का ज्यादा, पिस्टल का रुझान ज्यादा है यहाँ। वो भी हम आपसे उसके सिलसिले में भी बात करेंगे आगे, मगर मैंने बोला थोड़े अपने व्यूवर्स को जो है ना हम थोड़े बड़ी बड़ी चीजें दिखाएं ताकि खुश हों वो भी जो शौकीन है हमारे देखने वाले भाई। पार्क मेड थी, ये फॉरेन मेड है, ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है। हाँ ये पैक है, इम्पोर्टेड है, ये महंगी आइटम है भाई। यार कोई छोटे मोटे सामान हमें दिखाएं क्योंकि माशाल्लाह यूट्यूब से हमारे पास डॉलर आ रहा है बहुत ज्यादा। ओ भाई साहब, माशाल्लाह। तो भाई साहब अब तो हमने सोचा है कि हमें भी जो है अब सामान की जरूरत पड़ने वाली है, वेपन हम भी रखेंगे, तो भाई इसीलिए हम आपके पास आए और नईम भाई के पास मोहब्बत करते हैं भाई आप लोग हमसे, तो हमने बोला चले हम लोग डायरेक्ट आपके पास चलते हैं। ये 34 है दस्तावा, रशियन की कॉपी दस्तावा आता है रशियन का, सही। ये 9 शॉट कहलाता है, कैलिबर इसका 34 है, इफेक्टिव रेंज 50 मीटर इसकी भी और 9mm की भी है। और ये कि ये 34 कैलिबर में, और रशियन जो आता है वो महंगा है बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसी की कॉपी हमारे पेशावर के भाइयों ने ये कॉपी बनाई हुई। तो जो कम बजट वाले लोग होते हैं तो फिर हम उन्हें कम बजट में जी, कम बजट में। मतलब अतीक भाई अगर एक नॉर्मली बंदा कोई आम आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे मतलब वेपन की जरूरत है, तो कम से कम कितनी रेंज में वो अवेल कर सकते हैं? कम से कम पाकिस्तानी 30 बोर 7 शॉट जो कम से कम है वो 25,000, कम से कम 25,000 में, यानी 25,000 में उसको वेपन मिल जाएगा, जबरदस्त हो गया भाई। वैलिड लाइसेंस के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह 25,000 में उनको 5 मिनट 30 बोर मिल जाएगा। अतीक भाई ये जरा मुझे एक मेरा एक सवाल एक दो है, ये आप मुझे बताएं लाइसेंस का क्या प्रोसेस है? जैसे मैं इस वक्त आया हूँ, लाइसेंस देखें, लाइसेंस मुतलका डीसी ऑफिस जी और होम डिपार्टमेंट। लाइसेंस जो होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं, डीसी कोटा होता है, सीएम कोटा होता है और होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी कोटा होता है। तो जो है लाइसेंस आप बनाने के लिए जो उनकी शराइत है जो गवर्नमेंट सिंध ने रखी हुई है कि उम्र 25 साल से कम ना हो, कम ना हो, NIC पे ड्यूल एड्रेस ना हो यानी सिर्फ सिंध का एड्रेस हो, दो सूबों का एड्रेस ना हो, तीसरा ये कि कोई FIR ना हो यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। बिल्कुल ठीक। फिर वो जो बंदा इन शराइत से पूरा उतरता है तो वो अपने मुतलका डीसी ऑफिस जाएंगे, वहाँ से फॉर्म फिल करके बिजली गैस के बिल और सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के जमा कराएंगे, तो फिर उनकी वेरिफिकेशन पहले होती है, स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन करेगी कि बंदा क्लियर है, सही। फिर आपकी जो है बायोमेट्रिक वगैरह होगी, फिर आपको होम डिपार्टमेंट से बुक प्रिंट होके मिल जाती है, फिर वो बुक मिलने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर जी वेपन परचेज करना होता है। 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ मतलब 3 महीने के अंदर वेपन परचेज करना है।
तीन महीने में अगर आप इनकेस नहीं कर सके जी जी, तो फिर दोबारा डीसी वो लाइसेंस जाएगा और उस पर डीसी नेक्स्ट वन मंथ के लिए आपको परचेज ऑर्डर देगा कि एक महीना एक्सटेंड कर देगा। सही, ठीक है। फिर आप शॉप पे आएंगे, फिर आप वेपन पसंद करेंगे, फिर हम उसे फॉरेंसिक के लिए दो फायर करके फॉरेंसिक के लिए भिजवाएंगे और जो फिर हम वेपन परचेज कर सकते हैं। बगैर लाइसेंस के हम परचेज नहीं कर सकते, बगैर लाइसेंस के एक बुलेट नहीं ले सकते। अतीक भाई अब दिखाए हमें आप हमारी जो है मतलब 30 बोर में तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक ही इसको कहते हैं टोकारोव ना जी, ये 1930 में टोकारोव ने बनाया था, ये स्टील में भी मिलता है ब्लैक। 30 बोर में सिर्फ यही डिजाइन है, 30 बोर कैलिबर में आपको सिर्फ यही डिजाइन देखने को मिलेगा। 9mm में बहुत ज्यादा वैरायटी है, 9mm में तो जो है समंदर है। अब ये जैसे सब कॉम्पैक्ट है HS9, सही, ये उसकी कॉपी है, ठीक, ये सब कॉम्पैक्ट है, ठीक है। अब ये स्टूगर की मास्टर कॉपी है, सही। ये ओरिजिनल जो अगर आप लेंगे तो जो फॉरेन मेड है वो 270-280 का है, और हमसे अगर आप परचेस करेंगे इसकी मास्टर कॉपी है ये आपको 55,000 में मिल जाएगी, 55,000 जी। उसके बाद ये ज़िगाना की कॉपी है, ज़िगाना एफ, सही, तुर्की का ज़िगाना एफ आता है, ये उसकी कॉपी है, सेम कॉपी वही है, सिर्फ क्या मटेरियल का फर्क है जिसकी वजह से फर्क आ जाता है बहुत ज्यादा रेट्स का। ये ज़िगाना स्पोर्ट्स है, ये होल की वजह से इसको स्पोर्ट्स कहा जाता है, बाकी सेम वही है, ठीक, वो एफ है, ये स्पोर्ट्स कहलाता है क्योंकि इसमें जो स्लाइड भी और नीचे जो होल बने हुए स्पोर्ट्स वर्जन कहलाता है ज़िगाना स्पोर्ट्स, ठीक है। ये भी मास्टर कॉपी मिल जाएगी आपको हमारे पास। उसके बाद जो ज्यादा 9mm में यूज होता है लोग पसंद करते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा ये ब्रीटा, सही, खासकर इंडियन फिल्मों में तो बहुत ज्यादा ब्रीटा यूज किया जाता है, जबरदस्त, और ऑफिशियली तौर पे भी जो है ज्यादातर जो फोर्सेस के लोग हैं ब्रीटा यूज करते हैं, ये ब्रीटा भी आपको हमारे पास से इसकी कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ ग्लॉक 19 Gen 4 की कॉपी, ग्लॉक जी ऑस्ट्रिया ने बनाया था, ऑस्ट्रिया, ये उसकी कॉपी है ग्लॉक 19 Gen 4, ये 9x19mm है यानी इसका कैलिबर है, सही, 15 शॉट मैगजीन है, और लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं कि ये पॉलीमर होने की वजह से वेट नहीं है, आप देखें उठा वेट नहीं आता इसमें, आप देखें इसमें वेट जो है ना चेक कैरी करना आसान है, इसका वेट नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है बनस्बत इसके, ये देखें फुल मेटल है जी, इसका वेट ज्यादा है, तो कैरी के लिहाज से लोग कहते हैं स्मॉल साइज हो और वेट कम हो, ये बहुत हल्का वेट है। अब ये टॉरस PT92 की हमारे पास मास्टर कॉपी है, सेम वैसी लोगो बना हुआ है, टॉरस लिखा हुआ है, ब्राजील ने बनाया था उसकी कॉपी, पिशावर वाले भाई ने बनाई है, सही है। काफी सारे कलेक्शन हो गए हैं अतीक भाई, अब ये बताएं कि हम इसमें से क्या सेलेक्ट करें, क्योंकि उनको मेरा यही मशवरा है कि जो फर्स्ट टाइम वेपन ले रहे हैं वो स्ट्राइकर फायर पिस्टल ना लें, वो हैमर फायर लें, हैमर फायर, स्ट्राइकर फायर ये वाले हैं, ये हो गया मैं आपको बता देता हूँ, ग्लॉक भी जिसमें ब्रस्ट होते हैं, नहीं नहीं ब्रस्ट तो अलाउ नहीं है, अच्छा, तो पीबी में चला जाता सही है। ये देखें इन दोनों में हैमर नहीं है, सही, ये कहलाते हैं स्ट्राइकर फायर पिस्टल, ये प्रोफेशनल लोग रखे हैं तो ज्यादा बेहतर है, और जो नए यूज वाले हैं वो ये हैमर वाले रखे हैं, ये हैमर है, देखें ये हैमर है, सही, ठीक है, ये हैमर है, इसमें ये सेफ्टी लॉक है, सही, और ये डबल एक्शन पिस्टल कहलाता है, तो जो नए फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं और उन्हें अगर स्मॉल में चाहिए तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा स्टूगर जी, स्टूगर, क्योंकि ये डबल एक्शन पिस्टल है, सही, और सेफ्टी लॉक भी है और हैमर भी है, और अगर लार्ज फ्रेम पसंद करना चाहते हैं तो फिर ब्रीटा या ये ज़िगाना स्पोर्ट्स एफ, ठीक है, ये ऑप्शन है उनके पास। अब पसंद है कि कोई स्मॉल पे जाना है तो स्टूगर, सही है, पाक में, और लार्ज फ्रेम में जाना है तो ये इनके पास तीन ऑप्शन है, स्पोर्ट्स ले लें, ज़िगाना एफ ले लें, या ब्रीटा ले लें, ठीक है। ये पिस्टल बेसिकली घर की सेफ्टी के लिए खतरनाक होते हैं, उसकी वजह ये होती है इसमें हैमर नहीं है, सेफ्टी लॉक नहीं है, सेफ्टी लॉक नहीं है, इसमें हादसा होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये जो अनट्रेन लोग हैं वो ना ले तो बेहतर है, सही। स्टूगर कौन सा था, वो स्टूगर ही है, ये स्टूगर है, ये जो है मुझे, हाँ ये मैं आपको फर्स्ट वो कहता हूँ नए बंदों के लिए, यानी कि जिसे नर्सरी क्लास कहना है, सही, तो वो इससे स्टार्ट लें, इससे स्टार्ट लें,
क्योंकि इसमें देखें ना आप, ये अभी लॉक पर है, आप ट्रिगर दबाएं, लॉक सही चल रहा, ये ऊपर करेंगे आप दबाएंगे तो अभी ये हैमर आया पीछे, आप नीचे की तरफ हमेशा रुख नीचे की तरफ करके आप फायर करें, सही फायर सही। तो इसमें आपका पास जो है ना सेफ्टी की ऑप्शन है, सेफ्टी का ऑप्शन सही, और है भी छोटा स्मॉल है, कैरी करना भी आसान है, 15 राउंड आते हैं मैगजीन में, 15 शॉर्ट मैगजीन है और बहुत ही इजी। इसमें ये है, आपको एक चीज बता दूं कि फर्ज करें आपने चैम्बर किया, फायर करने का आपका मूड नहीं है, आपने सेफ्टी के लिए रखना है, तो आप इसको, ये डी कोकर भी है, ये फायर नहीं होगा, अब जब आपको फायर करना होगा तो आपने सिर्फ हैमर ऊपर करना और फायर कर देना, बिल्कुल सही है। और इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर फर्स्ट टाइम में राउंड हिट नहीं हुआ, आपके पास सेकंड चांस है, थर्ड चांस है, मतलब ये रिवॉल्वर की तरह ये डबल एक्शन पिस्टल कहलाता है, चलता रहेगा और जो है वो प्राइमर हिट हो ही जाएगा, सही फायर हो ही जाएगा। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी एक टीचिंग स्पीच हमारे अतीक भाई ने दी, और हमारा आने का मकसद यहाँ पे यही था, जो हमारे नईम भाई हैं और जो हमारे अतीक भाई हैं, तो माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस और इतनी जो है इन्होंने जो है हमें सीख भी दी और हमें तरीकेकार भी बताया, और वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि हम लोग आप लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंचाएं, क्योंकि एक जो वेपन जो है वो एक बड़ी जो है जिम्मेदारी वाली चीज होती है। तो माशाल्लाह इन्होंने भाई ने हमें जो है अच्छे तरीके से गाइड भी किया है, और गाइडिंग के साथ साथ जो है हमें तरीकेकार भी बताए हैं, और हम इंशाल्लाह ताला उस ट्रिगर काम किया अतीक भाई, वो ट्रिगर हम जो है अतीक भाई से परचेज करेंगे इंशाल्लाह ताला। और कभी भी वेपन जब आप लें, किसी को भी सगे भाई को भी लोड मैगजीन के साथ ना लें, मैगजीन लोड अपने पास रखें, फिर उसके बाद ध्यान रखें, उसके बाद फिर आप नाली चेक करेंगे, नाली राउंड तो नहीं, फिर आप किसी के हाथ में देना है तो आप दें, और इसको हमेशा बैरल का रुख सेफ डायरेक्शन पे रखें, मतलब ऐसी डायरेक्शन पे कि जान नुकसान होने का खतरा, किसी की तरफ रुख ना करें, सही। और ये शहादत की उंगली हमेशा ट्रिगर गार्ड पे रखें, ट्रिगर गार्ड है, इसके ऊपर शहादत अंदर नहीं रखें, ये ट्रिगर गार्ड किसी मकसद के लिए दिया हुआ है ना, सही। हम नहीं समझते कि ये ट्रिगर गार्ड क्यों दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपकी उंगली रखने के लिए, सही। जब आप सेफ डायरेक्शन है फायर करना, फिर इसे उंगली को आपने अंदर लेके जाना है, और ये किसी की तरफ इसका रुख नहीं करना, नाली का रुख खाली हो तब भी किसी की तरफ रुख नहीं करना, क्योंकि नुकसान का खतरा, इसको जब करना है सेफ डायरेक्शन पे, बैरल जमीन की तरफ कर लें तो ज्यादा बेहतर है, कच्ची जगह है तो जमीन की तरफ कर लें, नहीं तो ऊपर फिजा की तरफ करके इसको लोड अनलोड करें, किसी की तरफ बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत एहतियात है, क्योंकि नए लोगों से नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लगी हुई है ये वाली, ये भी 223 बोर है, 223 बोर कहलाती है, 5.56 mm इसका जो राउंड कहलाता है, 5.56 mm का कहलाता है, सिर्फ डिजाइन का फर्क है, ये थोड़ा M4 डिजाइन में है, ये किरण कोफ डिजाइन में है, ये बड़े अच्छे कलर में मुझे नजर आ रही है ये वाली ना, ये हाँ मतलब लेटेस्ट है, पाक मेड है, अच्छी कॉपी बनी हुई, और गोली एक आती है इन चारों में, राउंड एक ही यूज होता है सिर्फ डिजाइन, इसमें भी गोली इसमें सेम आती है, सेम चारों में एक ही गोली जो है ना, एक ही राउंड इस्तेमाल होता है, सही। सिर्फ डिजाइन लोगों की डिफरेंट चॉइस है, इस वजह से डिफरेंट डिजाइन में बनाते हैं, इसमें और भी एक डिजाइन आता है, डाउन फोल्डिंग आता है, सही फोल्डिंग होता है, हाँ वो नीचे की तरफ फोल्ड होता है, वो डाउन फोल्डिंग कहलाता है, सही। ये साइड फोल्डिंग है, इसमें फिर एक बट वाली आती है, उसमें लकड़ी का बट भी होता है ना, सही, जैसे उसमें लगा हुआ है, इस तरह भी आती है 223 में, इस तरह मतलब हर डिजाइन में मिल जाती है, लेकिन कैलिबर 223 कहलाएगा, ये 0.22 है, जबरदस्ती भाई साहब। ओ भाई साहब लग रहा है, लेकिन यार बाबर भाई ये तो जो है ना, हम मतलब ये कैरी करना बहुत हार्ड है यार, उसका वजन भी हैवी है काफी, ये सिक्योरिटी गार्ड्स गनमैन या गाड़ी में चल रहे होते हैं बहुत ज्यादातर पसंद करते हैं, लग रहा है ना एकदम VIP, लेकिन वो गार्ड ही लग रहा हूँ मैं पर्सनल, घर के लिए, दुकान के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो पिस्टल ही ज्यादा लोग यूज करते हैं, राइफल जो है उसका एक अलग क्राइटेरिया है। तो भाई अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट तो हमें जरूर करें, क्योंकि आज हम आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाले हैं जिससे आपको मिलेगी बहुत सारी अवेयरनेस। तो अतीक भाई माशाल्लाह हमारे साथ हैं, अतीक भाई से और भी ज्यादा मालूमात हम करेंगे आप लोगों के लिए, और नईम भाई भी बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला
वीडियो को आगे तले के लिए लेके चलते हैं और आपसे फिर करते हैं बात। हर बंदे का अपनी इस्तेदाद है। अब ये 30 बॉल है, पाक मेड है 25,000 से शुरू है और पाक मेड ही 50,000 का भी है, रियल का फर्क है। इसके बाद फिर अगर आप चाइना पे आते हैं तो चाइना आपको 1,30,000 रुपए का मिलेगा। रशिया पे आते हैं वो 2,70-2,80, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रेट है। अच्छा अतीक भाई, अगर हम कैरी करके घूमना चाहें इसके लिए कोई मसला मसाइल? देखें उसके लिए ये है कि अगर आप वेपन कैरी करना चाहते हैं और जैसे फैमिली के साथ लोग जाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए रखना होता है तो वैलिड लाइसेंस जी के पास, तो ओरिजिनल फोटोकॉपी अलाउ नहीं होती। सही है, फोटोकॉपी लाइसेंस की अलाउ नहीं होती। ओरिजिनल लाइसेंस आप पास रखेंगे, लाइसेंस थाने में आपके मुतलका थाने में एंट्री लाजमी होना चाहिए। सही, ठीक है, मुतलका थाने में एंट्री हो और वैलिड से मुराद ये कि नेशनल बैंक से रिन्यू हो, रिन्यूअल उसका बिल्कुल अपडेट हो। और फिर होम डिपार्टमेंट एक खसूसी लेटर जारी करता है परमिशन टू कैरी लाइसेंस वेपन। सही, वो परमिशन आपके पास हो बिल्कुल, वो भी ओरिजिनल आप रखेंगे। और फिर जो दुकानदार आपको फॉरेंसिक लेटर देता है कि इस वेपन से फॉरेंसिक हो चुका है, उसका वो लेटर भी आप साथ रखें। तो ये डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करें, कैरी कर सकते हैं लेकिन शो नहीं कर सकते। शो डिस्प्ले तो किसी सूरत में भी अलाउ नहीं है। ठीक है, हम भी यहाँ शॉप से बाहर नहीं ले जा सकते। शॉप के अंदर डिस्प्ले है, शॉप से बाहर हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। डिस्प्ले किसी सूरत में भी सिविलियन को अलाउ नहीं, वो सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे डिस्प्ले कर सकते हैं, वो भी यूनिफॉर्म में। तो बाकी आप जैसे आपने छुपा के रखा हुआ है कपड़ों के अंदर आप कैरी कर सकते हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट भी होते होंगे। अच्छा भाई, नईम भाई के पास अगर और अतीक भाई के पास आप लोगों को आना हो तो ये है भाई कार्ड नईम खान के नाम से, एक्सक्लूसिव डायरेक्टर। साल में मेरे बड़े भाई हैं नसीम खान, भाईजान के नाम से मशहूर है, साईं आरम्स उनकी दुकान का नाम है। जी जी बिल्कुल, भाईजान का तो भाई नईम खान बात कर रहा हूँ। सही सर, उन्होंने तो माशाल्लाह 25-26 साल इस मंडी की खिदमत की है, आवाम की खिदमत की है, आवाम के लिए अच्छी से अच्छी चीज मार्केट में लॉन्च की है उन्होंने। सही, तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत से नवाजा है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, तो सर हमारा दूसरा टाइटल है, ये हमारा अपना जाती टाइटल है। सही, भतीजे का नाम है ये असद खान आरम्स। तो सर यहाँ भी जो भी आएगा इंशाल्लाह उसको यहाँ से खुशियाँ मिलेंगी, इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह, और वो खुशी से यहाँ से जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। भाई सर बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। और भाई मिलेंगे किसी, बाबर भाई आ गए हैं, बाबर भाई ने भाई माशाल्लाह बाबर भाई आए थे और हम बाबर भाई के साथ ही यहाँ पर आए। मिलेंगे फिर किसी और ब्लॉग में, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर रहे। तब तक के लिए इंतजार करिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, और अल्लाह हाफिज़।